हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। दोस्तों, यूजीसी की स्थापना कैसे हुआ? सबसे पहले तो स्वतंत्रता के बाद 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1953 को दिल्ली में हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। इसको भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। तो 28 दिसंबर 1953 को दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसकी स्थापना किया गया और इसको वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, ठीक है। अब वैधानिक संस्था कब घोषित किया गया? यूजीसी एक्ट 1956 द्वारा। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि यूजीसी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1956 में। किसके द्वारा? यूजीसी एक्ट द्वारा, एक संसद के एक कानून द्वारा, ठीक है। और इसका मोटो क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ठीक है। यूजीसी का मोटो क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त। और यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलोर, ठीक है। अब जान लेते हैं कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। तो दोस्तों, ये रहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके कार्य क्या है। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का कार्य जो है कि विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता के लिए सरकार को परामर्श देता है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रम वगैरह में क्या होता है, बदलाव होता है। नए विश्वविद्यालय का निर्माण करना है तो भी क्षेत्रीय प्रांतीय सरकार यानी केंद्र राज्य दोनों सरकारों के समक्ष ये सुझाव देता है, ठीक है, इसको उसके संबंधित, ठीक। और समय समय पर पाठ्यक्रम में संशोधन, जो हमारे पाठ्यक्रम में शैक्षिक पाठ्यक्रम में जो संशोधन होता है ये यही करता है। कौन करता है? यूजीसी करता है, ठीक है। समय समय पर पाठ्यक्रम में संशोधन करने का कार्य करता है। और विदेशों में जो अनुसंधान के लिए छात्र जाए गए होते हैं उन सबको छात्रवृत्ति देता है, यही यूजीसी। एंड उच्च शिक्षा के शिक्षकों की योग्यता जो है, योग्यता का निर्धारण, परीक्षा और पाठ्यक्रम का निर्धारण, वेतन व अन्य नीति नियमों का निर्धारण भी यह करता है और उन्हें संशोधन करने का सरकार से परामर्श भी लेता है और उसको परामर्श भी देता है, ठीक है। और शिक्षकों की पदोन्नति करना, जिस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ये यूजीसी का ही काम है, ठीक है। और नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, ठीक है, नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। और शिक्षक बनने हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता का निर्धारण क्या होना चाहिए, ये सब नियम कानून यही लगाता है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसके हेतु योजनाओं का निर्माण करना, उसके साथ साथ न्यूनतम योग्यताओं एवं परीक्षा कार्यक्रम का भी आयोजन यह कराता है, ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास कार्यक्रम को सुझाव देता है और आर्थिक सहायता आवश्यकताओं आकलन और आर्थिक आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और हर एक 5 साल में एक बार विश्वविद्यालय का निरीक्षण करना, उन्हें आवश्यकता अनुसार सुझाव देना, यही सब क्या है? यूजीसी का कार्य है। तो बस यही यूजीसी का कार्य समझ लीजिए कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम में चेंजिंग होता है, शिक्षकों का वेतन निर्धारण होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, ये सब काम कौन करता है? यूजीसी करता है। तो दोस्तों, ये था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जरूर याद कर लीजिए, 28 दिसंबर 1953 को दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ यूजीसी एक्ट 1956 द्वारा। इसका मोटो ज्ञान विज्ञान विमुक्त। 6 केंद्र पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलोर। प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर और वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। और इसके कार्य मैंने बता ही दिए, तो इससे इतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों, ये था यूजीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप कोई फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उसका डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।